आज हम EBS में चैप्टर 6 माय हाउस रीड करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था चैप्टर, हाफ चैप्टर कल रीड कर लिया था। तो हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि हमें रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है। और घर हमें किस किस चीज़ से बचाता है? घर हमें गर्मी, सर्दी, बारिश और तूफान से सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। और घर हमें किससे और बचाता है? घर हमें चोरों और जंगली जानवरों से भी बचाता है। और हमने ये भी तो पढ़ा था कि डिफरेंट रूम्स के बारे में, कि कौन कौन से रूम पढ़े थे कल हमने? हमने पढ़े था लिविंग रूम, ड्राइंग रूम। लिविंग रूम और ड्राइंग रूम एक ही बात है, लिविंग रूम बोल दो या ड्राइंग रूम बोल दो। लिविंग रूम में क्या होता है? लिविंग रूम में कौन रहता है? लिविंग रूम किस लिए होता है? लिविंग रूम गैस के लिए होता है। और लिविंग रूम बोल लो या ड्राइंग रूम किस लिए होता है, ये लिविंग रूम बोल लो इसको या ड्राइंग रूम बोल लो, ये किस लिए होता है? गेस्ट के वेलकम के लिए। गेस्ट जब आते हैं तो हम कहाँ बिठाते हैं उन्हें? ड्राइंग रूम में और लिविंग रूम में। और क्या पढ़ा था हमने? था बेडरूम। क्या पढ़ा था? बेडरूम। बेडरूम में क्या करते हैं? बेडरूम में हम सोते हैं और आराम करते हैं। बेडरूम किस लिए होता है? सोने के लिए और आराम करने के लिए। देखिए ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट स्टडी रूम। स्टडी रूम में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। यहाँ बैठकर टेबल चेयर पड़ी होती है, यहाँ बैठकर हम पढ़ते हैं। और हमें अपनी चीज़ें कहाँ रखना चाहिए? कबर्ड और शेल्फ में रखनी चाहिए। और देखिए, और हम कौन से रूम का यूज़ करते हैं? बाथरूम का। बाथरूम में क्या करते हैं? बाथरूम किस लिए यूज़ में होता है? कपड़े धोने और नहाने के लिए। बाथरूम किस लिए यूज़ होता है? कपड़े धोने और नहाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा किचन। तो किचन किस लिए होता है? किचन खाना बनाने के लिए, टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाने के लिए। क्या यूज़ होता है किचन? किसका यूज़ करते हैं हम? किचन का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको रूम्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? इन विच रूम वुड यू फाइंड द फॉलोइंग आइटम्स। ये आइटम्स दिए हुए हैं आपको, कौन से रूम में पाए जाते हैं, कौन से रूम में होते हैं? CROCKERY क्रॉकरी। क्रॉकरी होते हैं बर्तन। अब बर्तन कहाँ पाए जाते हैं? कप, प्लेट, बाउल। किस में पाए जाते हैं? किचन में ही तो पाए जाते हैं, किचन में ही तो होते हैं। तो क्रॉकरी कौन से रूम में यूज होती है? किचन में। तो किचन यहाँ लिख दीजिए KITCHEN किचन। क्रॉकरी होती है हमारे किचन में यूज। नेक्स्ट है बेड। बेड, बेड कहाँ होता है? बेडरूम में। हम सोते हैं ना बेड पर, क्या करते हो आप? सोते हो ना और रेस्ट करते हो बेड पर। तो कौन से रूम में पाया जाता है? बेडरूम में। BEDROOM बेडरूम। बेड का पाया जाता है बेडरूम में। नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स किताबें। किताबें कौन से रूम में होती है? स्टडी रूम में। स्टडी रूम STUDY स्टडी ROOM रूम। स्टडी रूम बुक्स कहाँ होती है? स्टडी रूम में। स्टडी रूम में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं ना। तो कहाँ पढ़ते हैं? जाके स्टडी रूम में। नेक्स्ट BUCKET बकेट। बकेट होती है बाल्टी। बाल्टी कहाँ होती है? बाथरूम में। बाल्टी से आप नहाते हो ना, बाल्टी मग से आप क्या करते हो? नहाते हो। बाल्टी कहाँ होती है? बाथरूम में। तो BATHROOM बाथरूम। बकेट क्या होती है? बाथरूम में। नेक्स्ट वन सोफ़ा। सोफ़ा कहाँ होता है? ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम बोल दो। सोफ़ा का यूज़ होता है जहाँ गेस्ट बैठते हैं। गेस्ट जब आते हैं हम उन्हें कहाँ बिठाते हैं? सोफ़े पर तो बिठाते हैं। तो कहाँ डला होता है सोफ़ा? ड्राइंग रूम में। DRAING
डब्ल्यू आई एन जी ड्राइंग आर ओ ओ एम रूम ड्राइंग रूम सोफा होता है ड्राइंग रूम में. नेक्स्ट वन एस टी ओ वी स्टोव. स्टोव क्या होता है? गैस होती है. ये क्या होती है? गैस. इस पर खाना बनता है. पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता. तो स्टोव होता है, खाना बनता है जिस पर. तो ये कहाँ यूज होगा? किचन में ही तो यूज होगा. खाना का बनता है किचन में. तो किचन के आई टी सी एच ई एंड किचन. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. आप आगे निकाल लीजिए. यहाँ क्या दिया है? टाइप्स ऑफ हाउसेस. टाइप्स ऑफ हाउसेस, घर के प्रकार. अब घर के प्रकार पढ़ेंगे हम. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के घर देखते हैं. आप देखते हो अपने घर के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के घर. अब देखिए आगे इसमें क्या दिया है. इन सिटीज हाउसेस आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रेक एंड आयरन. शहरों में घर सीमेंट ईंट और लोहे के बने होते हैं. जैसे आपके घर किसके बने होते हैं? सीमेंट ब्रिक ईंट और आयरन लोहा. आप कहाँ रहते हो? शहर में ही तो रहते हो. तो आपके घर इन सब चीज़ों के बने होते हैं. नेक्स्ट सच हाउसेस आर कॉल्ड पक्का हाउसेस लाइक बंगलो अपार्टमेंट एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. कुछ घरों को पक्का हाउस कहते हैं. जैसे बंगलो बंगला अपार्टमेंट फ्लैट एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है बहुमंजिला बिल्डिंग. कौन सी होती है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर्स दे रखी हैं आपको. यहाँ पिक्चर्स दे रखी हैं. ये है बंगला, मतलब बंगलो. ये क्या है? बंगलो. बंगलो देखिए ऐसे बना होता है, एक आलीशान कोठी, आलीशान घर, इसको कहते हैं बंगलो. नेक्स्ट है अपार्टमेंट बिल्डिंग. अपार्टमेंट बिल्डिंग देखिए ऐसे ऐसे फ्लैट बने होते हैं, तो ये होती है अपार्टमेंट बिल्डिंग. ओके नेक्स्ट ये देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. यहाँ भी देखिए फ्लैट से बने होते हैं एक के ऊपर एक, तो ये होती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. बंगलो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है. फ्लैट वाली बिल्डिंग जो होती है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग कहलाती हैं. नेक्स्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है बहुमंजिला, एक के ऊपर एक फ्लैट्स होते हैं, तो ये बहुमंजिला बिल्डिंग हो गई. तो ये सारे हमारे कैसे हाउसेस हो गए? पक्का हाउसेस. कौन से हाउसेस कहलाते हैं? ये पक्का हाउसेस. ये किसके बने होते हैं? सीमेंट के, ब्रिक के एंड आयरन के. तो ये कौन से हाउसेस कहलाएंगे? पक्का हाउसेस. और ये कहाँ पर होते हैं? शहरों में. ये आपको गांव में नहीं मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे? शहरों में. ये आगे इन विलेजेस हाउसेस आर मेड ऑफ मड लीव्स एंड बैम्बू. गांव में घर मिट्टी पत्तियां और बांस के बने होते हैं. गांव में घर कैसे बने होते हैं? मिट्टी के, पत्तियों के और बांस के बने होते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दे रखी है. ये क्या है? एचयूटी हट. गांव में ऐसी तो घर बने होते हैं. तो देखिए आगे सच हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस लाइक हट. कुछ घरों को कच्चा हाउस कहते हैं. जैसे हट. हट क्या है? कच्चा हाउस. ये किसकी बनी होती है? मिट्टी की, पत्तियों की या बैम्बू की, मतलब बांस की. तो ये क्या है? हट है. कहाँ पाई जाती है?
कहाँ पाई जाती है? गाँव में। और इसको क्या कहते हैं? हट बोलते हैं, झोपड़ी बोलते हैं। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन। हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपकी समझ में आया माय हाउस हमारा घर कैसा होना चाहिए? और अलग अलग प्रकार के आपने अलग अलग टाइप्स के घर भी पढ़े। अब समझ में आ गया ना आपको? ओके बेटा, गुड बाय।